नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनोमस कॉलेज रायपुर। आज मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है कलर इन क्लोदिंग, परिधान में रंग कैसे उपयोग में लाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है। और ये जो मेरा लेक्चर है बीएससी पार्ट 3 होम साइंस, साथ ही साथ फैशन डिजाइनिंग के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि रंग का इतिहास क्या है, इसके सोर्सेस क्या है, कहाँ से ये हमें प्राप्त होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनमें कौन सी इनकी थ्योरी है, कलर थ्योरी कितने प्रकार की होती है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ इनकी क्या कॉम्बिनेशन है, मतलब रंग को हम किस तरह से आपस में संयोजन करके उपयोग में लाते हैं, और इनका हम पर या आप पर कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है या कुछ भावनात्मक प्रभाव भी ये हमारे पर छोड़ते हैं। तो इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस अपने वीडियो लेक्चर में करेंगे। परिधान में रंग जो है, हम देखते हैं हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में रंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है, और हम प्रतिदिन अपने आसपास विभिन्न रंगों से रूबरू होते हैं। दुनिया में से तो देखी जाए तो बहुत सारे यहाँ पे रंग हैं, और हमारे चारों ओर हम सभी के लिए ये रंगों से भरी हुई है, और जरूरत बस है तो इस रंगों में से या इन रंगों में से कुछ रंगों को चुनकर हम अपनी जिंदगी जो है उसे खुशहाल बना सकते हैं। रंग आभासी कला या आभासी बोध जो है उसका महत्वपूर्ण अंग होता है, और हजारों वर्ष पूर्व भी प्राचीन काल में भी रंग जो है वो का उपयोग किया जाता था। वर्तमान समय में प्राकृतिक रंगों के अलावा कुछ कृत्रिम रंग या आर्टिफिशियल जो कलर्स हैं वो भी प्रचलन में है। कला और संस्कृति के विकास के साथ साथ रंगों के क्षेत्र में भी बहुत अधिक तेजी से विकास हुआ। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वस्त्र जो होते हैं या परिधान जो होते हैं वो व्यक्ति को बनाते हैं, लेकिन मेरा यह मानना भी है कि वस्त्र तो व्यक्ति को बनाते हैं लेकिन रंग जो होते हैं वो वास्तव में वस्त्रों को बनाते हैं। क्योंकि जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसके परिधान में या उसके ड्रेस में सबसे पहला ध्यान जो होता है हमारा उसके रंग पर ही जाता है। तो इस तरह से परिधान में यदि हम देखें तो रंगों का एक विशेष स्थान होता है। परिधान से व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व जो है वो प्रभावित होता है। परिधान के द्वारा ही व्यक्ति की हम उसकी रुचि कैसी है, किस तरह के परिवार का है, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति, उसके सामाजिक क्या प्रतिष्ठा है, उसका भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। और परिधान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब हम मिलते हैं किसी से तो वही होता है जिसकी तरफ हमारा सबसे पहला ध्यान जाता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो किस तरह से कपड़े पहना है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम देखें तो परिधान की बिक्री को बढ़ाने के लिए भी प्रत्येक फैशन सत्र में, हर जो फैशन सेशन चलता है, सत्र चलता है, उसमें नए नए रंगों का परिचय कराया जाता है। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि परिधान के रंग जो है वो धारण करने वाले की शारीरिक आकृति, उसके बाल का रंग, उसके त्वचा का रंग, मौसम कैसा है, अवसर कैसा है ना, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर परिधान का रंग जो है उसको उसका चयन किया जाता है। और यदि हम सही तरीके से चयन करते हैं तो इससे हमें एक संतुष्टि मिलती है, एक हमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। इसकी यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें, तो प्राचीन समय में भी या आदिम जो समय था, आदि मानव का समय था, उस समय भी लाल, पीला और नीला, ये तीन जो रंग थे ये हमें उस समय में भी मिलते थे, क्योंकि ये रंग जो है अन्य सभी रंगों को बनाने में सक्षम है, इसलिए इन रंगों को हम प्राथमिक रंग भी कहते हैं। प्राथमिक रंग या आदिम रंग जो है कौन कौन से हैं? लाल, पीला और नीला, RYB। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इन्हें इनकी सहायता से हम दूसरे रंगों को बना सकते हैं। इसके अलावा RYB जो है ये रेड, येलो और जो ब्लू कलर है, ये रंग दृष्टि के 18वीं सदी के सिद्धांतों की नींव बन गए। ठीक है, उस समय ये इनका प्रयोग सबसे पहले किया गया, क्योंकि इनमें वे समस्त मौलिक गुण थे जो समान रूप से पिगमेंट या रंगों के भौतिक मिश्रण में होने चाहिए। इसके बाद 19वीं सदी के अंत में
वैज्ञानिकों ने प्राथमिक रंग की एक अलग धारणा बताई, एक अलग तरह से उसकी थ्योरी है, उसका एक कॉन्सेप्ट निकाला। उन्होंने तीन प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला बताया। पहले क्या बताया था, लाल, पीला और नीला, और उसके बाद 19वीं सदी में ये बदलकर इसकी धारणा जो हो गई वो क्या हो गया, लाल, हरा और नीला, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू। प्राचीन काल में भी यदि हम देखें इसका इतिहास रंगों का, तो प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था ये देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के दौरान जो मूर्तियां मिली या वहां से जो बर्तन मिले उसमें चित्रकारी की गई थी, साथ ही साथ उसमें रंगों का उपयोग किया गया था, और साथ ही साथ वहां से एक लाल रंग का कपड़ा भी मिला था। इसका मतलब है कि उस समय में भी रंगों का प्रयोग किया जाता था। करीब 100 साल पहले पश्चिम में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप वस्त्र उद्योग में काफी तेजी आई और इससे रंगों की मांग जो है वो बढ़ी और उसकी खपत भी बढ़ी, और इस कारण से फिर प्राकृतिक रंग जो है उसकी मांग को पूरी नहीं कर सक रहे थे। इस दौरान कृत्रिम रंगों की तलाश प्रारंभ हुई, मतलब कृत्रिम रंगों को खोजना शुरू किया गया। उन्हीं दिनों रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री लंदन में विलियम पार्किंसन एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जो एनिलीन से मलेरिया की दवा कुनैन बना रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, एनिलीन से मलेरिया की दवा कुनैन बनाने में जुटे हुए थे। तमाम प्रयोगों के बाद ये दवा तो नहीं बन पाई, लेकिन एक सॉल्यूशन तैयार हुआ, एक घोल जो तैयार हुआ उसका रंग बैगनी रंग था। तो इस तरह से बैगनी रंग जो है उस समय बना। महज संयोगवश 1856 में ये कृत्रिम रंग जो था बैगनी कलर का ये तैयार हुआ और इसे मोव कहा गया। 1860 से लेकर 80 के बीच तक बहुत से रासायनिक रंग जो थे वो अस्तित्व में आए। ठीक है, शुरू में ये रंग जो थे वो कोलतार से बनाए जाते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके निर्माण के लिए रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाने लगा। हमारे देश में मुंबई में रंग का काम करने वाली एक फर्म थी जिसका नाम था कामराज जी फर्म। इसने सबसे पहले 1867 में एक कलर बनाया, रानी या मेजेंटा कलर, और इसका आयात किया गया। रंग का अध्ययन यदि हम देखते हैं तो मुख्य रूप से पांच दृष्टिकोणों से इसका अध्ययन जो है वो किया जा सकता है। एक तो शरीर विज्ञानी की दृष्टि से, शरीर विज्ञानी जो होते हैं, फिजियोलॉजिस्ट जो हैं, ये रंगों का अध्ययन उस दृष्टिकोण से करते हैं जहां से आंखें जो होती रंगों की संवेदना प्राप्त करती है, मतलब आंख जो हमें संवेदना लेकर हमें बताती है उसके अनुसार फिजियोलॉजिस्ट जो होते हैं इसका अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्री या केमिस्ट जो होते हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम पदार्थों की रासायनिक विशेषता के आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो ये देखते हैं कि रंग का प्रभाव क्या पड़ता है, रंग किस तरह से भावनात्मक रूप से व्यक्ति को प्रभावित करता है वो इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है भौतिक शास्त्री जो होते हैं वो ये देखते हैं कि रंग की तीव्रता और उसकी तरंग कैसी है, उसके हिसाब से कौन सा कलर तैयार हो रहा है वो उसका अध्ययन करते हैं। और एक पिगमेंटिस्ट जो होता है जो कि पेंट, वॉर्निश, कलर आदि का मिश्रण करके उसको तैयार करता है, वो ये देखता है कि रंगों के मिश्रण जो तैयार करते हैं उसमें कौन कौन सा रंग किस अनुपात में मिलाते हैं तो कौन सा रंग तैयार होता है। तो इस तरह से रंग का अध्ययन जो है मुख्य रूप से इन पांच दृष्टिकोणों से किया जा सकता है। रंगों की उत्पत्ति, कहाँ से रंग आया, इसका स्रोत क्या है, ओरिजिन क्या है। तो रंग जो है वो मानवीय आंखों के वर्ण क्रम से मिलने पर छाया संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जब रंग है मानव आंख जो उसको देखता है तो उसके वर्ण क्रम से जो उसका एक छाया बनती है उसकी या एक उसका प्रतिबिंब बनता है उसकी सहायता से जो है वो रंग जो है वो उत्पन्न होते हैं। मूल रूप से इंद्रधनुष के रंगों को ही रंग का जनक माना गया है। ठीक है, इंद्रधनुष हम हमारा आप देखते हैं बरसात के दिनों में अक्सर आसमान पे देखने के लिए मिलता है, इसमें हमें 7 रंग दिखाई देते हैं। तो मूल रूप से इंद्रधनुष जो है इसे ही रंगों का जनक माना जाता है। रंगों की उत्पत्ति जो है उसका प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, क्या है, सूर्य का प्रकाश है, इससे विभिन्न प्रकार के रंगों की उत्पत्ति होती है। प्रिज्म की सहायता से देखने पर पता चलता है कि सूर्य
सात रंग ग्रहण करता है। इसके अंदर सात रंग होते हैं जिसे सूक्ष्म रूप या अंग्रेजी भाषा में विभ्योर VIBGYOR विभ्योर और हिंदी में बैजानी हपी नाला कहा जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, वी से वायलेट या बैगनी, फिर आई से इंडिगो या जामुनी, बी से ब्लू या नीला, जी से ग्रीन हरा, वाई से येलो पीला, ओ से ऑरेंज नारंगी, आर से रेड लाल। तो इस तरह से रंगों की उत्पत्ति या उसका स्रोत जो है हम देखें कहां से रंग जो है उसकी उत्पत्ति होती है। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं रंग का विज्ञान क्या है। हर चीज जो होती है विज्ञान पर आधारित होती है, तो रंग तो जो है विज्ञान पर ही आधारित है पूरी तरह से। हम सब ये जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो होता है, सफेद जो प्रकाश होता है वो सात रंगों से मिलकर बना होता है, जिसे जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा सूक्ष्म रूप में विभ्योर और हिंदी में बैजानी पिनाला कहा जाता है। तो पांच के एक प्रिज्म से जब हम श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये अपवर्तित होकर एक पर्दे पर गिरता है और पर्दे पर श्वेत प्रकाश के स्थान पर इंद्रधनुष के समान सात रंगों की पट्टी जो है वो दिखाई देती है। इस पट्टी को श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम या हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्राप्त होने वाले ये सात रंग क्रम से लाल नारंगी पीला हरा आसमानी नीला और बैगनी होता है। अब रंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है यहाँ बताया गया है प्राथमिक या मूल रंग। प्रकाश के वे रंग जो किसी अन्य रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते, ठीक है, ऐसे रंग जो किसी और के मिश्रण से प्राप्त नहीं किए जा सकते, जो अपने आप में अलग होते हैं स्वतंत्र होते हैं, ये मूल रंग या प्राथमिक रंग कहलाते हैं, जैसे कि लाल हरा और नीला। द्वितीय क्रम या सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं ये प्रकाश के वे रंग होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते, इनको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब हम दो प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो उससे द्वितीयक रंग या सेकेंडरी कलर जो है वो प्राप्त होता है। जैसे लाल के साथ नीला मिलाया तो रानी या मेजेंटा कलर मिलेगा, लाल के साथ हरा मिलाया तो पीला कलर बनता है, और हरा और नीला मिलाया तो सियान कलर तैयार होता है। तो इस तरह से प्राथमिक द्वितीयक ये रंग हो गए। और तब क्या होता है जब तीन प्राथमिक रंगों को मिलाया जाता है, जब हम तीन प्राथमिक रंग जो होते हैं लाल नीला और हरा इसको मिलाते हैं तो ये श्वेत प्रकाश में बदलता है या बनता है। अब तीसरा जो रंग होता है प्राथमिक रंग द्वितीयक रंग और उसके बाद पूरक रंग जो है, ये यदि दो रंगों को मिलाने पर, मतलब दो कौन से रंग, एक प्राथमिक रंग और एक द्वितीयक रंग प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिलाने पर श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है, तो उन दोनों को एक दूसरे का पूरक रंग कहते हैं। अब हम देखते हैं रंगों का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में रोजमर्रा के प्रतिदिन की जिंदगी में क्या महत्व है रंग का। तो रंग जो है प्रकृति में हर तरफ मौजूद है और रंगों का अपना एक अलग ही चमत्कारी संसार होता है। रंगों का मानव मन और उसकी भावनाओं पर बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। जीवन जो है जीवन पर सूर्य की किरणों का गहरा असर होता है, ठीक है ना। कैसे असर होता है, जैसे हम देखते हैं कई बार मौसम जो है बहुत खराब सो हो जाता है, बदली सी छा जाती है, सूर्य की किरणें दिखाई नहीं देती, तो हम थोड़ा सा डल महसूस करने लगते हैं, सुस्त महसूस करने लगते हैं। और वहीं यदि मौसम अच्छा होता है तो हम चुस्त और अपने आप में एक स्फूर्ति महसूस करते हैं। तो जीवन पर सूर्य की किरणों का गहरा असर होता है, उसी प्रकार रंगों का असर भी मानव के मन में और उसकी भावनाओं पर देखा जाता है। रंग जो है हर पल हमारे आसपास मौजूद होते हैं और हम सभी का कोई ना कोई पसंदीदा रंग होता है। जैसे मेरा कलर है पसंदीदा ब्लू, नीला रंग मुझे बहुत पसंद है। चाहकर भी या अनचाहे में भी जब भी मैं बाजार जाती हूँ तो मैं नीले रंग का ही साड़ी या सूट जो भी वो खरीद के ले आती हूँ। तो इस तरह से हर किसी का अपना एक कोई मनपसंद रंग होता है। रंग जो है कई चीजों के प्रतीक होते हैं, कई चीजों को ये दर्शाते हैं। जैसे सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है, पीला रंग शुद्ध भावना का प्रतीक होता है, हरा रंग शीतलता का प्रतीक होता है, नीला रंग आध्यात्म का प्रतीक होता है, और लाल रंग जो है सक्रियता और स्फूर्ति का प्रतीक होता है। अब हम देखते हैं रंग की क्या विशेषताएं होती हैं।
किसी भी रंग की मुख्य तीन जो है विशेषताएं हम जानते हैं, या उसके हम इसको गुण भी कह सकते हैं कि ये रंगों का गुण होता है, उसमें पहला है ह्यू या रंगत, दूसरा है मूल्य या वैल्यू, और तीसरा है तीव्रता या इंटेंसिटी। तो रंगत या ह्यू क्या है, ये रंग का सामान्य नाम होता है, ठीक है। ये रंग के जो नाम होते हैं उसको हम ह्यू कहते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, ये सारे ह्यू होते हैं, ठीक है, रंगत होती है, उसकी छवि होती है। दूसरा है वैल्यू या मूल्य, मूल्य से अभिप्राय रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन से होता है, ठीक है। जैसे सफेद रंग जो है वो सबसे हल्का होता है, सफेद रंग कैसा होता है, सबसे हल्का होता है, सफेद रंग सबसे हल्का होता है और इसकी वैल्यू जो होती है सबसे अधिक होती है, ये उच्चतम वैल्यू का होता है। और इसको जब हम किसी ह्यू में मिलाते हैं, किसी रंग में मिलाते हैं, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो धीरे धीरे वो हल्का होता जाता है। उसी तरह से काला रंग जो होता है उसको यदि हम किसी रंग में मिला दें, लाल, नीले, पीले में मिला दें, तो ये गहरा होता चला जाता है और काले रंग की वैल्यू जो होती सबसे निम्नतम होती है, ठीक है। तो इस तरह से सफेद और काले रंग के बीच की जो वैल्यू होती है वो मध्य मूल्य या मध्य वैल्यू कहलाती है। अब टिंट और शेड क्या होते हैं, तो जब कोई रंग सफेद रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है, ठीक है, जैसे हमने लाल में थोड़ा सा सफेद मिला दिया तो हल्के से पिंक की साइड पे चला जाएगा, गुलाबी रंग की तरफ चला जाएगा, तो ये जो है ये टिंट कहलाते हैं। और उसी तरह से जब कोई रंग काला रंग मिलाने से अपने वास्तविक रंग से गहरा या गाढ़ा हो जाता है तब उसे शेड कहते हैं। जैसे यदि हमने रेड में ब्लैक मिलाया तो वो मेरून कलर में परिवर्तित होता है। अब हम देखते हैं टिंट और शेड पर टोन, जैसे इसमें दिखाया गया स्लाइड में, आपको लाल में सफेद मिलाया तो गुलाबी और फिर हल्का गुलाबी, शेड आपने देखिए लाल में वो काला मिला रहे हैं तो हल्का डार्क मेरून हो रहा, फिर उसके बाद डार्क कलर में आ गए। और टोन जो होते हैं, टोन में हम ग्रे कलर मिलाते हैं और ग्रे कलर मिलाने से इसके इसका हल्कापन जो है वो बदलता है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो रंग चार्ट के ह्यू और वैल्यू में संबंध होता है। ह्यू जो है धीरे धीरे वैल्यू में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें सबसे हल्का रंग ऊपर और सबसे गहरा रंग नीचे की तरफ होता है। डॉक्टर रॉस ने 1907 में 9 वैल्यू बताए थे जो इस प्रकार है, देखिए आप इसमें 1 से 9 तक रंग दिया हुआ है, व्हाइट, हाई लाइट, लाइट, लो लाइट, मिड वैल्यू, हाई डार्क, डार्क, लो डार्क और ब्लैक। ये इस तरह से इसके वैल्यू चार्ट है या वैल्यू स्केल बताई गई है। तीव्रता, अब तीसरा जो इसका गुण है रंग का, पहला था ह्यू, दूसरा वैल्यू और तीसरी जो है इसका विशेषता वो है तीव्रता या घनत्व। रंगों का घनत्व या उसकी तीव्रता उसके फीकेपन और चमकीलेपन, मतलब डलनेस और ब्राइटनेस को दर्शाता है। और रंगों की तीव्रता जो है हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसको हम कलरीमीटर की एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम इसे नाप सकते हैं। तीव्रता के साथ साथ हम इसमें रंग के चमकीलेपन को और उसके सैचुरेशन पॉइंट को भी माप सकते हैं। तो इस तरह से ये तीन रंग की विशेषताएं थी या उसके गुण थे। अब हम देखते हैं कलर थ्योरीज, कौन कौन से रंग के सिद्धांत हैं। तो पहला है इसमें प्रांग रंग सिद्धांत, प्रांग कलर थ्योरी। प्रांग नामक वैज्ञानिक ने इस रंग योजना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उन्ही के नाम पर इस जो सिद्धांत है इसका नाम प्रांग रंग सिद्धांत पड़ा। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में 12 रंगों का बना हुआ रंग चक्र बताया और इस सिद्धांत में रंगों की विशेषता के आधार पर इन्होंने रंगों की कई श्रेणियां भी बना दी। प्रांग ने रंग के 3 गुण बताए थे, जैसे हमने पिछली बताया था ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी, मतलब रंग का गर्मपन या ठंडापन, उसका हल्कापन और गहरापन और उसकी चमक या उसका मंद रूप। अब रंग की श्रेणियां इन्होंने बताई, प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग, तृतीयक रंग और चतुर्थक रंग। तो प्राथमिक रंग या प्राइमरी कलर वो होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनको हम कहीं और से प्राप्त नहीं कर सकते, तो वो प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग जो है सेकेंडरी कलर, 2 प्राथमिक रंगों को मिलाने से सेकेंडरी कलर जो है वो बनते हैं, ठीक है। अब 1 प्राइमरी और 1 सेकेंडरी कलर को हमने मिलाया तो उससे इंटरमीडिएट कलर हमें मिलता है, 2 सेकेंडरी कलर को आपस में मिलाया तो टर्शरी या तृतीयक रंग जो हमें मिलता है, और 3 टर्शरी कलर्स को आपस में मिलाने पर क्वार्टनरी कलर या चतुर्थक रंग जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से प्रांग ने रंग के 3 गुण और उसकी श्रेणियां बताई।
ये है देखिए कलर व्हील दिखाया गया है। इस रंग चक्र में यदि आप ध्यान से देखते हैं तो पीले रंग से बैगनी रंग जो है इनके बीच यदि हम एक रेखा खींच दे, एक लाइन खींच देते हैं, तो ये ह्यू जो होते हैं ये रंग ये दो भागों में बट जाते हैं। चक्र के एक ओर जिस तरफ नीला रंग दिख रहा है और हरा रंग दिख रहा है, उस साइड के जितने भी रंग होते हैं ये सारे कूल कलर्स होते हैं, ठंडे रंग होते हैं, और लाल रंग और पीले रंग की तरफ जितने भी कलर दिखते हैं या उनसे मिलके बनने वाले जितने भी कलर होते हैं वो गर्म रंग या वार्म कलर कहलाते हैं। अब दूसरा जो सिद्धांत है वो है मुंशल कलर थ्योरी। इस सिद्धांत में ये देखा गया और इस सिद्धांत को जिन्होंने प्रतिपादित किया या बनाया वो एक अमेरिकन कलाकार थे, एक पेंटर थे, अल्बर्ट हेनरी मुंशल। इन्होंने रंगों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने अपने रंग चक्र में 10 आधार 10 बेसिक कलर इन्होंने बताए और यह रंग वर्णक्रम में बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन 10 रंगों में से 5 रंग जो थे वो मुख्य कलर थे, रंग थे, और 5 जो थे वो मध्यवर्ती थे। जो 5 मुख्य रंग हैं वो हैं लाल, पीला, हरा, नीला और जामुनी, और जो मध्यवर्ती रंग है वो है पीला लाल, पीला हरा, नीला हरा, जामुनी नीला और लाल बैगनी। मुंशल ने हमें ये बताया कि जामुनी रंग जो है वो लाल और नीले के मिश्रण से ही बनते हैं, और उसी तरह से बैगनी जो है वो भी लाल और नीले के मिश्रण से ही बनता है, लेकिन इन दोनों में बहुत फर्क होता है। ठीक है, तो उन्होंने हर रंग को ह्यू से वर्णित किया और साथ ही साथ ह्यू की विशेषताएं, वैल्यू और तीव्रता को भी समझाया। मुंशल का जो रंग सिद्धांत है वो बहुत से क्षेत्र में, ऐसे जितने भी व्यवहारिक या अप्लाइड एरिया से हमारे जीवन के, जैसे चित्रकारी है, पेंटिंग है, टेलीविजन है, फोटोग्राफी है ना, ये हर फील्ड में इसका एक समान या हर तरह से इसका जो प्रयोग किया जाता है। और इस रंग चक्र में भी आधे भाग में गर्म रंग और आधे भाग में ठंडे रंग होते हैं। ये देखिए इसमें आपको मुंशल कलर सिस्टम और प्रांग कलर सिस्टम बताया गया है किस तरह से इसमें रंगों को प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कलर स्कीम्स क्या होती है, रंग योजनाएं क्या होती हैं। यहाँ कुछ प्रामाणिक रंग योजनाएं दी गई हैं और इन योजनाओं को हम यदि बुद्धिमत्ता पूर्ण यानी चालाकी से, होशियारी से यदि इसका प्रयोग हम अपने परिधान पर करते हैं तो परिधान जो है सुंदर और आकर्षक दिखाई देते हैं और इससे हमारा व्यक्तित्व है जो वो निखर कर सामने आता है। तो सबसे पहली जो योजना होती, सबसे पहली जो स्कीम है वो है अवर्णक रंग योजना या अक्रोमेटिक कलर स्कीम। इस योजना में सिर्फ सफेद, काला और ग्रे कलर जो है वो उपयोग में लाया जाता है और इसे हम प्राकृतिक रंग योजना भी कहते हैं। दूसरा है एक रंगी रंग योजना, मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। इस योजना में केवल एक ही रंग का प्रयोग किया जाता है और इस ह्यू को बेसिक लेते हैं और उसके टिंट और शेड्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं एक नीला रंग लिया गया है बेसिक ह्यू, उसी के डिफरेंट टिंट और शेड्स जो हैं उनका प्रयोग करके हम जो कलर स्कीम तैयार करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कहलाती है। नेक्स्ट है थर्ड, द्विरंगी रंग योजना या डायक्रोमेटिक कलर स्कीम। जब किन्हीं दो प्रकार के रंगों को भिन्न मात्रा में मिलाकर रंग बनाया जाता है तो उसे हम डायक्रोमेटिक कलर स्कीम कहते हैं। जैसे पीला और नीला मिलाए तो हरा बना। अब यदि इसकी मात्रा हम कम ज्यादा करते हैं तो हमें हरे का ही डिफरेंट जो है शेड प्राप्त होगा। तो इस तरह से जब हम कलर करते हैं तो वो द्विरंगी रंग योजना कहलाती है। नेक्स्ट है बहुरंगी रंग योजना, पॉलीक्रोमेटिक कलर स्कीम। इसमें 4 या उससे अधिक रंगों का प्रयोग किया जाता है और इस योजना का हम जो है उपयोग अधिकतर रंगाई, वस्त्र रंगाई की जो प्रक्रिया होती है जिसमें कई रंगों से उसे रंगना होता है उसमें करते हैं। नेक्स्ट है सादृश्य या समीपवर्ती रंग योजना, एनालॉगस कलर स्कीम। इस रंग चक्र में उन्हीं रंगों का प्रयोग किया जाता है जो रंग चक्र में या कलर व्हील में एक दूसरे के पास पास होते हैं या निकट होते हैं। नेक्स्ट 6 है दबावपूर्ण उदासीन रंग योजना, असेंटेड न्यूट्रल कलर स्कीम। इस रंग योजना में सफेद, काला या ग्रे रंगों का उपयोग जो है हम अत्यधिक दबावपूर्ण या जो चमकदार रंग होते हैं जैसे लाल, पीला हो गया, उनके साथ करते हैं, तब ये दबावपूर्ण उदासीन रंग योजना कहलाती है। नेक्स्ट है विपरीत या विरोधी रंग योजना, कंट्रास्ट कलर स्कीम। इस रंग योजना में रंग चक्र में या कलर व्हील में विपरीत स्थितियों में व्यवस्थित रंगों का प्रयोग किया जाता है और इसे प्रतिकूल रंग योजना भी कहते हैं। इसके बाद है संपूरक रंग योजना या कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम।
कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम में क्या होता है, संपूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट साइड पे होते हैं। तो इस योजना में रंग चक्र के किन्हीं दो आमने सामने के विपरीत रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो दिखाया गया चित्र है उसमें पीले के साथ इसमें देखिए हल्का सा नीला या जामुनी कलर जो है बैगनी कलर उसको उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक वो उसके अपोजिट है। नेक्स्ट है दोहरी संपूरक रंग योजना, डबल कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। रंग चक्र में स्थित किन्हीं दो प्रमुख रंगों के दो प्रतिकूल रंगों को भी शामिल करके दोहरी संपूरक योजना जो होती है वो बनाई जाती है। नेक्स्ट है दसवां खंडित संपूरक रंग योजना या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। इस स्कीम में इस योजना में रंग को ऐसे रंग के साथ संयोजित किया जाता है जो कि रंग चक्र में उसके संपूरक रंग के दोनों तरफ हो। जैसे स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या देखा था हमने, आमने सामने मतलब पीले के साथ उन्होंने बैगनी लिया था, लेकिन स्प्लिट में पीले के साथ बैगनी ना लेके उसके आसपास के जो दो कलर है उसे लिया है, तो ये स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम कहलाती है। अब है सादृश्य संपूरक रंग योजना, एनालॉगस कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम। इस रंग योजना में दो निकटवर्ती सादृश्य रंग तथा दो संपूरक रंगों को मिलाकर इसे बनाया जाता है और ये देखने में काफी सुंदर और आकर्षक होती है। फिर है त्रिशूलाकार या त्रिभुज रंग योजना, ट्रायडिक कलर स्कीम। यह रंग योजना उन रंगों को मिलाकर बनाई जाती है जो रंग चक्र में एक दूसरे से एक समान दूरी पे होते हैं, जैसे दिखाया गया है लाल नीला पीला, ठीक है, तो इस तरह से ये एक ट्रायडिक त्रिशूल का आकार इसमें बनता है। अब हम देखते हैं रंग के कुछ परिभाषिक शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं और ये जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे पिगमेंट हम उसे कहते हैं जिसका उपयोग हम रंगने के लिए करते हैं। शेड्स वो होते हैं जो काला रंग मिलाने से प्राप्त होते हैं, वो शेड्स होते हैं। टिंट सफेद रंग मिलाने से, रंग में सफेद रंग मिलाने से जो रंग प्राप्त होते हैं वो टिंट कहलाते हैं। और टोन्स जो होते हैं वो रंगों का श्रेणीकरण उनकी कम तीव्रता या उच्च तीव्रता की वो दिखाते हैं। जैसे कि हमने देखा था टोन्स जो है उसमें हम ग्रे कलर को मिलाकर इसे प्राप्त करते हैं। ठंडे रंग जो नीला हरा और बैगनी जिसमें होता है इस इन रंगों का अंश होता है या इनसे जो बनकर बनते हैं वो जो होते हैं ठंडे रंग कहलाते हैं। गर्म रंग जो लाल पीले और नीले, लाल पीले से मिलकर बनते हैं ये गर्म रंग होते हैं। और पेस्टल कलर्स जो होते हैं ऐसे रंग जिनमें सफेद रंग मिला हो, जो हल्के रंग हो उसे हम पेस्टल कलर्स कहते हैं। अब हम देखिए परिधान के रंग के चयन को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं। जैसे हम अपने लिए या कोई परिधान खरीद रहे हैं या तैयार कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो उस समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे आयु और लिंग। मतलब हम अपनी आयु के अनुसार जैसे हम यदि महिला हैं तो हमारे कलर्स जो हैं वो अलग होंगे, पुरुषों के लिए कलर्स अलग होते हैं। जैसे यदि हम पिंक पसंद करते हैं तो पुरुषों के परिधान में अधिकतर देखा जाता है पिंक रंग का उपयोग नहीं होता। तो इस तरह से आयु और लिंग का ध्यान रखा जाता है, ये इनको प्रभावित करते हैं रंग चयन की प्रक्रिया को। दूसरा होता है शरीर की बनावट और आकार। हम ये जानते हैं कि रंग जो होते हैं गर्म रंग और ठंडे रंग होते हैं, और गर्म रंग जो है शरीर के आकार को या बनावट को चौड़ा करके बढ़ाकर दिखाते हैं, ठंडे रंग वो कम करते हैं उस आकार को। तो इस तरह से शरीर की बनावट और आकार जो है वो भी रंग चयन को प्रभावित करते हैं। तीसरा है त्वचा, बाल और आंखों का रंग जो होता है, इनको ध्यान में रखकर भी हमें रंगों का चयन जो है वो परिधान के लिए करना चाहिए, और रंग चयन जो इससे भी प्रभावित होते हैं। इसके अलावा मौसम है और समय है। मौसम जैसे यदि आप गर्मी के दिनों में परिधान का चयन कर रहे हैं, परिधान उसके लिए रंग देख रहे हैं, तो बहुत चटक और गाढ़े रंगों का उपयोग ना करें, ठीक है। और उसी तरह से यदि आप समय देखते हैं तो समय में यदि आप दिन में पहनते हैं तो हल्के रंगों का प्रयोग करें, और रात में ये आप थोड़ा सा डार्क कलर का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह से अवसर है, फैशन है, डिजाइन है, सभ्यता और संस्कृति, और साथ ही साथ आपका व्यक्तित्व, ये सारी चीजें जो होती हैं वो परिधान के रंग चयन को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो रंगों का भावनात्मक प्रभाव भी देखा जाता है। लाल रंग जो होते हैं वो मिलनसारता, प्रेम, साहस, शक्ति, उत्तेजना का प्रतीक तो होता ही है, साथ ही साथ इसे हम खतरे का प्रतीक भी मानते हैं। दूसरा है पीला रंग, ये ताजगी, स्फूर्ति, मानवीय संवेदना, आशा और खुशी का प्रतीक होती है। नारंगी रंग जो होते हैं ऊर्जा, उत्साह और संघर्ष को दर्शाती है। हरा रंग जो है जैसे कि प्रकृति का हमारा हरा रंग है, पेड़ पौधे है तो हरियाली है, खुशहाली है, ठंडक है, शीतलता है, ताजगी है, इसका प्रभाव जो है वो हरा रंग देता है। नीला रंग जो है
वो ठंडा कलर होता है, कूल कलर होता है, तो इसलिए ये हमें एक शीतलता का प्रभाव देता है, साथ ही साथ एक गरिमा का प्रतीक होता है ये रंग। सफेद रंग शांति, पवित्रता, सादगी और त्याग का प्रतीक इसे माना गया है। काला रंग जो होता है, वैसे भी आप पुराने जमाने में देखते होंगे, मान्यता है कि बुराई का रंग या रहस्य का रंग काला रंग होता है, साथ ही साथ दुख का भाव प्रकट करने के लिए भी काले रंग का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बैगनी रंग जो होता है वो राजसी वैभव, शान, स्वाभिमान और दार्शनिक भाव का प्रतीक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न रंग जो है अपने भावनात्मक प्रभाव जो है वो हम पर दिखाते हैं। तो रंग जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हमारे रोजमर्रा के हमारे आसपास हर चीज में हम कलर देखते हैं, और साथ ही साथ परिधान में यदि हमें रंग का चयन करना है तो बहुत ही सोच समझ कर सावधानी से करना चाहिए, और कुछ बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे परिधान जो है वो सुंदर और आकर्षक लगे, और साथ ही आप और हम या मैं नहीं, आप जब उस वस्तु को पहने तो आप भी सुंदर और आकर्षक प्रतीत हो, दिखाई दे, और आपका व्यक्तित्व जो है उस परिधान में उस रंग के साथ निखर कर सामने आए। तो आज का ये लेक्चर मेरा था कलर इन क्लोदिंग में, आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।